तुम्हें मालूम है वो भी? वो भी बहुत अच्छी है। वो अपने प्यार को छोड़ सकती है, लेकिन वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकती थी, और इसीलिए मुझे ये प्लान रचना पड़ा ताकि वो मुझसे नफरत करे। इसका मतलब इतने दिनों से मैं, यहाँ तक कि मेरा पूरा परिवार आपको इतना गलत समझ रहा। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती और ना ही किसी और की कोई गलती, ये सारा प्लान मेरा रचाया हुआ है, और ये जो भी मैंने मकसद से किया, ये मकसद सिर्फ अर्जुन और पूरी को एक करने का था, और वो बहुत करीब नजर आ रहा है। मैंने ये जिस मकसद से किया था, वो मकसद आज कामयाब होता नजर आ रहा है। आज अर्जुन पूर्वी का संगीत है, और कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली है, इतनी खुशी आने वाली है। खुशियों में आप कहाँ हैं ऑनर? नफरत करते हैं आपसे, ये गलत है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है होगी? मुझे मेरी इमेज की चिंता नहीं, मुझे पूर्वी की खुशियों की चिंता है। नहीं ऑनर, मैं इसमें आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। वो भी किसी और को नहीं, कम से कम अर्जुन और पूर्वी, इन्हें तो सच्चाई के बारे में पता होना चाहिए ना। देखो, इस मोड़ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत मेहनत की। अगर तुम सारी सच्चाई उनको बता दोगे, तो फिर सारे किए कहने पर पानी फिर जाएगा। वो भी एक पल के लिए सोचो तुम, अगर अर्जुन पूर्वी को सच्चाई मालूम पड़ जाती है, तो फिर क्या वो लोग शादी करेंगे? नहीं, वो लोग यही सोचेंगे कि वो लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं। और फिर परी के बारे में सोचो, परी के माँ बाप हैं वो दोनों, और परी का क्या कसूर उसमें? उसको उसके माँ बाप का प्यार मिलेगा? नहीं। इसलिए कह रहा हूं मैं, वो भी तुम प्लीज अर्जुन पूर्वी को सच्चाई के बारे में मत पता चलने दो, और ना ही किसी और। तुम मेरी बात सुन रही हो? आपको पता है, जब अर्जुन और पूर्वी की शादी के लिए मैं राजी हो गई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कुछ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया अपने प्यार के लिए। पर आप, आपकी सच्चाई जानने के बाद, ये सब सुनने के बाद, बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ मैं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है किसी इंसान से इतना ज्यादा प्यार कि आप उसी की नजरों में गिर जाओ ताकि उससे उसका प्यार मिल सके? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऑनर, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा, पता नहीं क्या क्या बोला आपके बारे में, बहुत बुरा, रियली सॉरी। प्लीज होगी, बस मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओ। आई प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाय, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। जोड़ी लक्ष्मी नारायण की तरह लग रही है ना। इन दोनों को किसी की नजर ना लगे बस। Hey. How are you, Shiva sir? Hello, Mr. Arjun. So good to see you, man. So good to see you. Congratulations. Thank you. कैसे हो? I'm fine. Great. Mr. Arjun, मैं जानता हूँ कि ये सही वक्त नहीं है बात करने का, मगर कुछ बात है जो आपको बतानी बहुत जरूरी है। कभी? कुछ दिन पहले मैं कोलकाता गया था किसी काम से, और वहाँ मैंने किंशुक को एक बंगाली नाटक में काम करते हुए देखा था, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला दरअसल कि किंशुक कोई बिजनेस वुमन है ही नहीं, बल्कि वो एक एक्ट्रेस है। देखिए श्रीवास्तव, अब किंशुक क्या करती है, वो क्या करती थी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यू नो इट वेल, कम ऑन, तुम जानते हो कि ऑनर ने जो झूठ बोलना था वो बोल दिया, इट्स ऑल डन, और मुझे इस वक्त इस बारे में कोई बात नहीं करनी। Right. Please enjoy yourself. आप हमारे संगीत में आएं, there's some awesome food, खाना खा के जाएगा. Right, श्रीवास्तव? Definitely. ओवी, क्या हुआ? तू वहाँ क्यों खड़ी है? इधर आ। क्या हुआ तुझे? क्या सोच रही? आई तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। Actually एक सवाल मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। आई, अगर अगर कोई इंसान किसी दूसरे की भलाई के लिए झूठ बोल रहा हो, पर उस झूठ से उसकी बहुत बदनामी हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? इसमें उस आदमी का साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये सब क्या बोल रही तू? ये सारी चीजें तेरे दिमाग में कहां से आई? आई, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है कनाडा में, सीमा नाम है उसका रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ।
और अभी कुछ ही दिनों बाद उसकी उसकी किसी और के साथ शादी हो रही है। फिर तुझे पता है मैं जब हॉस्पिटल गई थी ना, तब मैंने मैंने उसके बॉयफ्रेंड को देखा, और जब मैंने पता किया वो वहां क्या कर रहा है तो मुझे पता चला वो एक कैंसर पेशेंट है। भाई उसने ये सब नाटक किया था, उसने उसने मेरी फ्रेंड और अपने बीच में जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए थे ताकि मेरी फ्रेंड उससे नफरत करने लगे और किसी और से शादी कर ले। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सीमा को ये बात कहूं कि नहीं कहूं। देखो भी जहां तक मुझे सही लगता है तो रिश्ते विश्वास पे ही बनते हैं और विश्वास पे ही टिकते हैं। झूठ बोल के उसने आई थिंक ठीक नहीं किया। अगर वो सीमा से सच्चा प्यार करता है तो उसने उससे ये सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए थी। अगर वो सीमा को सब कुछ सच सच बता देता तो आज शायद हालात अलग होते, वो भी खुश होता, सीमा भी खुश होती। सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने कभी सीमा से सच्चा प्यार किया ही नहीं। पूर्वी ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? पूर्वी मैं कुछ गलत कहां कह रही हूँ? अगर वो सीमा से सचमुच प्यार करता है तो उसे फैसला सीमा पे ही छोड़ देना चाहिए था। वो भी मुझे ऐसा लगता है कि सीमा को तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। कल को अगर शादी के बाद उसे पता चला तो हो सकता है कि उसे बहुत तकलीफ, बहुत बुरा लगे। अच्छा ही, अब मुझे निकलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। कहाँ? अब सब कुछ ठीक तो है ना वो भी, फिर जाने की क्या जरूरत है कहीं? आई प्लीज। बाय बाय। गुड नाइट पूर्व। गुड नाइट। वो भी आज भी नहीं रुके, पता नहीं वो पुरानी बातों को कब भूलेगी। देख पूर्वी, जब रिश्ते बिगड़ते हैं ना तो उन्हें सुधरने का थोड़ा वक्त देना चाहिए। अब वो भी धीरे धीरे कोशिश कर रही है ना बदलने की, तू देखना एक दिन आएगा जब वो हमारे साथ यहाँ आकर रुकेगी। ऐसा होगा ना? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। और प्लीज अब ऐसे उदास चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है, तुझे पता है ना तेरी शादी होने वाली, और जो दुल्हन होती है ना उसे हमेशा खुश रहना चाहिए। मुस्कुरा दे। बोलो। सो मिस पूर्वी, क्या आप अर्जुन के लोस्कर को मिस कर रही हैं? मैं नहीं तो। ओह, सो यू मीन टू से कि तुम मुझे मिस नहीं कर रही हो? नहीं, अभी अभी तो मिले, और जब तुम 24 घंटे मेरे साथ रहोगे तो तुम मुझे मिस करने का मौका दोगे क्या? एक्सक्यूज मी मिस पूर्वी किर्लोस्कर, आप है ना हमें मिस करने की आदत डाल लो। नो व्हाई? कसम आपके होने वाले पति हैं, राइट? और मुझे इतनी अनरोमांटिक सी बीवी पसंद नहीं है। तुम एक काम करो, तुम इसी तरह हंसती रहो, हमें सुनता रहता हूँ बस। अच्छा परी का है? परी के कान पे फोन रखो, मुझे उसकी आवाज सुनाओ प्लीज। वो तो तुम कल ही सुन पाओगे, क्योंकि परी इस वक्त सो गई है। वैसे तुम्हें पता है मैंने ना परी के लिए पूरा कमरा सजा के रखा है, मैंने उसमें फर्नीचर नहीं खरीदा ये सोच के कि फर्नीचर हम दोनों साथ में जाके लेंगे, तुम्हारे और मेरी पसंद से। ठीक पूर्वी, वैसे मुझे जो भी ने फोन किया था विश करने के लिए, और कैसी है वो? वो भी ठीक है अर्जुन, अभी अभी होटल के लिए निकली है। होटल के लिए निकली? क्यों, वो घर में नहीं रुकी? नहीं। ठीक है, मैं उसे फोन पे बात करता हूँ, मैं उसे पूछता हूँ। नहीं अर्जुन, देखो मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी उसे फोर्स करे, उसने इतनी मुश्किल से खुद को संभाला, और फिर देखो अर्जुन हो सकता है कि तुम्हारे मनाने पे वो मान भी जाए, लेकिन तुम जानते हो ना ओवी का नेचर, छोटी छोटी बातों पे कैसे जल्दी से अपसेट हो जाती है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे टाइम पे उसका मूड खराब हो या वो किसी भी चीज को लेके अपसेट हो। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी शादी में जरूर आए। तुम फिक्र मत करो, मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। क्या
गुड नाइट। बाय। हाय। आओ। मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया फोन कर कि तुम आने वाले। हाँ एक्चुअली तुम संगीत में आई थी और तुमसे बात नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ। अच्छा किया। वैसे आई नो रूम थोड़ा मैसी है, बट ओके आई नो बहुत ज्यादा मैसी है, तो प्लीज अपने लिए जगह बना, मैं दो मिनट में। वैसे ओवी वन क्वेश्चन, तुम ये सब कर कैसे लेती हो? तुम्हारे रूम में एक भी ऐसा कोना नहीं है जो इन कपड़ों से या कचरे से भरा हुआ नहीं है। जिस दिन मैं और पूर्वी गणेश मंदिर गए थे उस दिन एक शादी हो रही थी, लेकिन वो शादी ऑनर और शालिनी की कैसे हो सकती है? ऑनर ने तो कहा था कि शालिनी उसकी पहली पत्नी है। इस फोटो में हम दोनों उसके पीछे कैसे? अर्जुन तुमने बताया। वो ये ऑनर और शालिनी का ये ऑनर की शक्ल कुछ नहीं है। तुम भी ना, अच्छा बताओ तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं मैं? वो भी इस फोटो में मैं इसमें मैं और पूर्वी है। ये शालिनी ऑनर की शादी है कि ये कहां से आया तुम्हारे पास और ये क्या है? तुम क्यों इन चक्रों में पढ़ रहे हो? तुम्हारी शादी है। मैं किन चक्रों में ना पढ़ूं? वो भी तुम समझ रही हो ये इन दोनों की शादी के इस फोटो में हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और ये तुम्हारे पास कहां से आएगी? तुम मुझे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ये क्या है? ओवी प्लीज टेल मी, ये क्या है? ये तुम्हारे पास कहाँ से आया और ये इसके क्या छुपा रही है मुझसे? टेल मी। अर्जुन सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें? सच सुनने की हिम्मत अफकोर्स है, मेरे लिए जानना जरूरी है। ओवी तुम क्या छुपा रही हो? सकता है सच्चाई सुनने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या कीमत चुकानी है, लेकिन मुझे सच जानना है। ओवी मुझसे क्या छुपा रही है मुझे बताओ। ये ऑनर का सच है। ऑनर की कभी पहले शादी हुई ही नहीं थी, और उन्होंने ये सब नाटक किया था ताकि तुम और पूर्वी एक दूसरे के करीब आ सको। ऑनर ने शालिनी के साथ शादी करने का ये सब नाटक किया था ताकि तुम्हारी और पूर्वी की शादी हो सके। अर्जुन जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम ये बात कब से जानती हो? मुझे भी संगीत में पता चला। ऑनर ने ये हम सबके सामने किया और हमें से किसी को पता नहीं चला, और हमने उन पे इल्जाम लगाया था। मैंने हाथ उठाया उनपे, उसने मेरे और पूर्वी के लिए ये सब किया, और मैं मुझे वो भी पूर्वी कहती थी कि प्यार का दूसरा नाम सैक्रिफाइस है, और मैं कहता था कि तुम क्यों दूसरों के बारे में इतना सोचती हो, क्यों खुद के बारे में नहीं सोचती, और यहाँ पे हम उन्हें कोर्ट तक लेके गए। वो भी ये गलत है, ये तुम्हें ये बात संगीत में सबको बता देनी चाहिए थी। ऑनर डिजर्व नहीं करता ये, और पूर्वी डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व नहीं करता। वो पूर्वी को सच जानना जरूरी है, हम सबको सच जानना जरूरी। और अर्जुन कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं वही करने जा रहा हूँ जो सही है। वो भी नहीं अर्जुन, ये सही नहीं है। माना कि ऑनर पूर्वी से प्यार करते हैं, पर पूर्वी तो ऑनर से प्यार नहीं करती ना, वो तुमसे प्यार करती है, और ये बात ऑनर भी समझ चुके हैं, इसीलिए वो पूर्वी की लाइफ से दूर चले गए। अर्जुन अब ये बात मुझे भी समझ आ गई, और यही रीजन है कि मैं भी तुम्हारी लाइफ से चले जाना चाहती हूँ। अर्जुन किसी और के नहीं लिए, कम से कम परी के लिए
बेटी है तुम्हारी और पूर्वी की। मैंने ऑलरेडी एक बार पूर्वी से उसका प्यार छीन लिया, एक बार फिर से ये गलती नहीं करना चाहती। तो मैं क्या करूं अभी? मैं चुप करके बैठा रहूं? वो भी ऑनर जिसने हमारे लिए, मेरे और पूर्वी के लिए अपना सब कुछ खो दिया, उसकी सच्चाई सबके सामने आना जरूरी है, सबको पता चलना जरूरी है कि ये क्यों कर रहा है वो। दिस इज नॉट राइट। अर्जुन मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं जानती हूँ कि ये गलत हो रहा है उनके साथ, लेकिन अगर तुमने सबको ये बात बता दी तो ऑनर ने आज तक जो कुछ भी सैक्रिफाइस किया सब वेस्ट हो जाएगा। और किसी का नहीं, कम से कम पूर्वी का सोचो, पूर्वी तो खुशियां डिजर्व करती है। और अगर तुम्हें बताना ही है तो प्लीज शादी के बाद बताओ, पर अभी नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर अभी तुमने बताया तो हम जो पूर्वी भी शादी के लिए मना कर देगी। अर्जुन प्लीज, अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन ने शालिनी के साथ शादी करने का ये सब नाटक किया था ताकि तुम्हारी और पूर्वी की शादी हो सके। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने उस आदमी को गलत समझा जो मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देना चाहता था। I'm so sorry, Honor. I'm so sorry. मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। और आज जब सब कुछ आईने की तरह साफ है तो कैसे कहूं? इसे क्या कहूं? कहूं भी या नहीं? किस मोड़ पे आके खड़ा हो गया हूं मैं? दिस इज एक और मेरा प्यार जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता। दूसरी तरफ ऑनर का इतना बड़ा सैक्रिफाइस जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता। मुझे पूर्वी को सब कुछ बताना होगा क्योंकि इस गिल्ड के साथ मैं अपने रिश्ते को जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन पूर्वी ने अपना फैसला बदल दिया तो इतनी मिन्नतों के बाद मुझे मेरा प्यार मिलने जा रहा है। नो अर्जुन, तुम सेल्फिश नहीं हो सकते। और ये तुम अपने लिए नहीं पूर्वी के लिए कर रहे हो, उसे बताना जरूरी है। पूर्वी, और कौन कौन सी साड़ियां रखनी है? हे भगवान, हाँ तेजू, सारी साड़ीज रखनी है। ये सारी साड़ियां सूटकेस में आ जाएंगी? तेजू हमारे पास और भी सूटकेस है, तू टेंशन मत ले। इनफैक्ट वो कबर्ड में और साड़ीज है, प्लीज वो भी रख देना। कबर्ड से याद आया, मेरी तरफ से तुझे शादी का गिफ्ट। ये देख कैसा है। तीजू ये तो बहुत प्रिटी है। मुझ पे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन तुझ पे ज्यादा अच्छा लगेगा। ये तो बहुत महंगा होगा। पूर्वी तू बस गिफ्ट देख, प्राइस नहीं। और ये ले, अभी तेरे कुछ लाया हूं। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूर्वी मैंने कहा ना प्राइस मत देख। टेल मी हाउ इज द गिफ्ट, यू लाइक इट और नॉट? बहुत प्रिटी है, बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, आज तो पूर्वी पे गिफ्टों की बरसात हो रही है। और ये देखो सोहम भी पूर्वी के लिए कुछ लाया है। दे वो वापस। अरे नहीं, बिल्कुल मत देना। हाँ मुझे दिखा। दोरे को काय दिखाया उनको, हम का नाराज कर दिया। पूर्वी हमारा ही तोहफा सचिन दादा और तेजू के तोहफे के आगे कुछ नहीं। उतना महंगा भी नहीं है। अच्छा दादा, आप मुझे ये बताइए कि ये चूड़ियां कितने की है? 300 रुपए की। और इस हफ्ते आपने कितनी कमाई की? 300। इसका मतलब आपने अपनी पूरी कमाई
कि चूड़ियां खरीदने में लगा दी। दादा आपको पता है इन सब में से सबसे महंगा तोहफा आपका है। आपको पता है इस तोहफे का प्राइस नहीं, आपकी फीलिंग्स मेरे लिए मायने रखती। पर फिर कोई भी भाई का गिफ्ट उसकी बहन के लिए तो खास ही होता है ना। That's like my sister.